खेसान जो है एक बड़ा शहर है, 137 स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें बिल्ट अप एरिया है। तो अभी रणनीति ये है कि रशिया चाहेगा कि किसी ना किसी तरह बिल्ट अप एरिया की लड़ाई लड़ी जाए और यूक्रेन चाहेगा कि वो बिल्ट अप एरिया में ना घुसे। और दूसरी बात है कि ये एनर्जी सेंटर है, इंडस्ट्रियल हब है और एक वाइटल ग्राउंड बोलते हैं, जबकि वो वाइटल ग्राउंड पर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाती है। तो खेसान इस टाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया है और जो खेसान को पकड़ेगा जीत उसी की तरफ होगी। बिल्कुल, देखिए खेरसाव से जुड़ी ही इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, खेरसाव की तबाही पर आमने सामने है रूस और यूक्रेन। यूक्रेन ने रूस पर लगाया युद्ध अपराध का यानी वॉर क्राइम का आरोप, रूसी सैनिकों पर लूटपाट करने का आरोप लगा दिया गया है। रूस ने यूक्रेनी दावों को खारिज किया है हालांकि, लेकिन ये बड़ा आरोप लगाया गया है यूक्रेन की ओर से रशियन फोर्सेस पर। ये बड़ी खबर। तो क्या रशिया ने वॉर क्राइम्स किए हैं? अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आइए अब समझते हैं कि खेरसान में हालात किस तरह से लगातार बदल रहे हैं और इसके लिए रूस और यूक्रेन कैसे एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। पूरे यूक्रेन में केवल खेरसान ही एक ऐसा इलाका बना हुआ है जो दोनों तरफ से लगातार पिछले 20 दिनों से बमबारी का केंद्र बना हुआ है और अब सारे के सारे नागरिकों को खेरसान से खाली करा दिया गया है। यानी कि अभी कुछ और बड़ा होने वाला है या कम से कम इसकी आशंका है, यह पुतिन की तरफ से जताया जा रहा है और इसीलिए सारे नागरिकों को वहां से हटा लिया गया है। क्यों खेरसान नागरिकों के लिए एक नर्क सा बन गया है, सबसे पहले देखिए और समझिए। खेरसान से लोगों को जबरन निकालने को यूक्रेन ने युद्ध अपराध माना है। पुतिन कह रहे हैं हम उन्हें इवैक्यूएट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं और ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यह वॉर क्राइम है, जबकि मॉस्को का कहना है कि वह नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें निकाल रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, यूक्रेन ने रूस पर खेरसान में खाली घरों में लूटपाट का आरोप भी लगाया है। रशियन सोल्जर्स क्या खाली घरों में लूटपाट कर रहे हैं? यूक्रेन का यह भी दावा है कि रूसी सैनिक नागरिकों के लिबास में अपराध कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में बिजली और पानी पूरी तरह से ठप कर दिए गए हैं। नागरिकों की सुविधाओं पर अटैक के लिए यूक्रेन ने रूस को युद्ध अपराधी कहा है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम में जाएगा या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा, ICC, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा। लगातार पिछले कम से कम 5 महीनों से यूरोपीय यूनियन के कुछ देश और यूक्रेन लगातार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाते रहे हैं, ये बताने के लिए, जताने के लिए पूरे विश्व को कि किस तरह से मॉस्को द्वारा वॉर क्राइम्स किया जा रहा है और इन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, ये क्या भूमिका बनाई जा रही है? क्या हम देखेंगे कि जब भी इफ एंड वेन, जो कहते हैं ना कि जब भी अगर ये वॉर खत्म होगा, तब क्या ये वॉर ग्राउंड से हटके एक कानूनी लड़ाई के तौर पर भी देखा जा सकता है जो कई सालों तक रशिया और यूक्रेन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलता रहेगा? आशीष, मैं 34 साल तक फौज में था, मेरा ये मानना है, अभी तक मानना है कि रूस की फौज एक प्रोफेशनल आर्मी है और युद्ध भूमि में वो किसी भी तरह से सिविलियंस या महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर पश्चिमी जगत के पास कोई ठोस सबूत हैं तो वो उसको सामने लाएं। जेनेवा कन्वेंशन के प्रावधान के तहत युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद भी ऐसे केसेस को अलग अलग इंटरनेशनल फोरा में, ICJ में चैलेंज कर सकते हैं। अगर प्रमाण है तो रूस के फौजियों के ऊपर मुकदमा चलेगा, लेकिन बात यह है कि उनको कटघरे में कौन खड़ा करेगा। ओके, बिगड़े था पर फिर बूचा में क्या हुआ? अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।